तो इस खास सेगमेंट में आप सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करते हैं। मैं सोहेल जावेद हूँ। नाज़रीन, आपको बता दें कि बात ज़रा USBRL प्रोजेक्ट की करते हैं, जिस प्रोजेक्ट का संगलदान रियासी स्ट्रेच जो है वो मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो रियासी में तामीर किया गया, उस पुल पर जो है तेज़ रफ्तार ट्रेन को एक बार चलाया भी गया। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि CSR की इंस्पेक्शन भी हुई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब खबरें जो है वो इस तरह से आ रही है कि 20 या 22 जुलाई के दरमियान जो है यहाँ पर, मैं आपको बता दूं कि श्रीनगर से या बारामुल्ला से हम बात करें, रियासी तक रेल सर्विस को हरी झंडी जो है वो दिखाई जाएगी। इस तरह की खबरें जो है अभी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जम्मू कश्मीर के आवाम का एक देरीना ख्वाब भी है, और ये ख्वाब जो है शर्मिंदाई ताबीर होता नज़र आ रहा है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर रवा साल की हम बात करें तो बानीहाल से खड़ी, खड़ी से फिर सुमड़ो संगलदान तक रेल सर्विस पहुंची, ट्रेन पहुंची, लेकिन अब बात इस तरह से की जा रही है कि मैं आपको बता दूं कि अब जो है संगलदान से रियासी तक का जो स्ट्रेच है 46 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो भी मुकम्मल हो चुका है, और वहाँ ट्रेन सर्विस जो है बहुत जल्द शुरू की जाएगी, और जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो मुंतज़िर है कि कब ये रेल सर्विस यहाँ शुरू हो जाएगी और रियासी तक पहुँचेगी। उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को जो है सफ़र में आसानी ज़रूर देखने को मिलेगी, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अब जो है खबरें इस तरह से आ रही है कि अब यानी 20 से 22 जुलाई के दौरान के दरमियान जो है ये रेल सर्विस जो है वो शुरू हो जाएगी, और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि रवा साल की शुरुआत में ही मुल्क के वज़ीर आज़म ने यहाँ संगलदान की तरफ जब ट्रेन श्रीनगर से आई थी, बारामुल्ला से आई थी, तो उसे हरी झंडी भी दिखाई, लेकिन अब खबरें इस तरह से आ रही है कि बहुत जल्द रियासी और संगलदान के दरमियान भी ट्रेन चलेगी, लोग जो है बआसानी सफ़र करेंगे और लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की बात करें, अगर हम वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहां पर ट्रैफिक में ज़रूर खलल पड़ता है या ट्रैफिक जैम जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन जब से रेल सर्विस संगलदान तक पहुंची है, बारामुल्ला से संगलदान तक रेल सर्विस जो है मुसलसल जो है वो जाती है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस ली है, और हम खड़ी या फिर हम सुमड़ या संगलदान की बात करें तो यहाँ के लोगों का एक देरीना ख्वाब था। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी, जहाँ तक अभी जो है राबता सड़कें नहीं पहुँची हैं, बल्कि यहाँ से रेलगाड़ी गुजरती है, अब लोग जो है बआसानी वादी कश्मीर का सफ़र करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों का एक देरीना ख्वाब है कि वो वादी कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपना सफ़र जो है बजरिए रेल करें, और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हुकूमत का मानना है, सरकार का मानना है कि वादी कश्मीर से वंदे भारत ट्रेन जो है वो बहुत जल्द चलेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ संगलदान रियासी स्ट्रेच की हम बात करें तो कई टनलें यहाँ पर तामीर हुई है, और दुनिया का सबसे ऊंचा पुल भी रियासी में तामीर किया गया है। आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों इस पुल के ऊपर से तेज़ रफ्तार ट्रेन भी चलाई गई, तो कहीं ना कहीं अब लोग राहत की सांस जो है वो ले रहे हैं। CSR की जो इंस्पेक्शन हुई, हम बानीहाल से रियासी तक की बात करें तो इसका जो है मुकम्मल काम का जायज़ा भी लिया गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब बड़ी खबर ये आ रही है कि बहुत जल्द ट्रेन को, मतलब वादी कश्मीर की बात करें या बारामुल्ला से रियासी की बात करें, तो अब ट्रेन को हरी झंडी जो है वो दिखाई जाएगी और लोग जो है बआसानी रियासी तक जो है सफ़र करेंगे। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आप तक हमने पहुँचाई, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर ट्रेन सर्विस के ज़रिए यानी रेलगाड़ी के ज़रिए जब आप सफ़र करेंगे तो कितनी आसानी आपको होगी, और किस तरह से अब लोगों का इंतज़ार जो है ख़त्म हो रहा है। तो फिलहाल मुझे यानी सोहेल जावेद को इसी बड़ी खबर के साथ दीजिए इजाज़त, आप रखिए अपना ख्याल, अल्लाह निगेबान।